जहन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। ये शाम के समाचार जिसमें खबर करूंगा, फौजी आया होली के लिए छुट्टी, बीबी और बच्चों से मिलने के लिए बीबी ने उसको निपटा दिया सोते हुए, आखिर क्यों? और फौजी सूरमाओं को भारत रत्न क्यों नहीं, क्यों नेताओं की भीड़ को दिया जा रहा है भारत रत्न? और दोस्तों, इस बार वोट डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो कट जाएंगे 350 रुपए आपके अकाउंट से। इस खबर के ऊपर करूंगा पोस्टमार्टम। खबर करते विस्तार से, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो फौजी की, कि छुट्टी पर घर आए फौजी को पत्नी ने पेट्रोल डाला और जिंदा निपटाया, बच्चों ने सुनाई आंखों देखी, यानी रूह कांपने वाली खबर। और ये खबर है आप उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में, पत्नी ने पति की बेहरम तरीके से होली की छुट्टी पर आए फौजी को उसकी ही पत्नी ने कमरे में सोते समय पेट्रोल डाला और काम कर दिया तमाम। इसकी तरह बुरी तरह वो झुलस गया था, इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पत्नी को शक था कि पति ने दूसरी किसी से बात करता है, शादी संबंध है। बात इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ। देखते देखते पत्नी ने अपने 2 छोटे बच्चों के सामने पति के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला और ये मंगलवार थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। जम्मू में तैनात सूबेदार चरण सिंह निषाद हाल ही में होली की छुट्टियों में घर आए थे। एक सूबेदार, बीते दिन अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ उनका विवाद हुआ था। पति पत्नी एक दूसरे पर किसी बात पर शक किया करते थे। पत्नी को शक था कि पति ने दूसरी शादी कर रखी, इसी बात को लेकर विवाद हुआ। थोड़ी देर बाद घर से फौजी का, आप समझ सकते हो, बुरा हाल हो गया। पड़ोसियों ने इस घटना के लिए पुलिस को सूचित किया। जैसे पुलिस आई, नाजुक स्थिति थी, सूबेदार साहब की लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में ले गए जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि पत्नी ने सोते समय ऐसा काम किया, खुद के बच्चों का जब पुलिस ने लिया तो बच्चों ने सीधा सीधा बयान दिया कि मम्मी ने ऐसा किया है। पत्नी की गिरफ्तारी के बाद फौजी का अंतिम संस्कार, मृतक फौजी चरण सिंह निषाद का सब सेना के जवान गांव लेकर पहुंचे जहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने मना कर दिया। मृतक फौजी की मां भाई ने मांग की कि पत्नी पर मुकदमा लिखकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद पुलिस ने पत्नी के संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, हिरासत में लिया और फौजी का अंतिम संस्कार, यानी फौजी मैं जवान नहीं, ये सूबेदार साहब है और सूबेदार चरण सिंह निषाद नाम है, छुट्टी पर आए थे बच्चे बीबी, लेकिन गलतफहमी या शक संवाद में इस तरीके का हो गया, वो चले गए, पत्नी जेल चले गई, बच्चों का क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन सबको पेशेंस रखना होगा दोस्तों। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा कि आपके सामने मैं वीडियो दिखा रहा हूं और जिसमें श्री भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से। और जैसे आप देख सकते हो, इसके अंदर चौधरी चरण सिंह जी, जिनको किसानों का मसीह कहा गया, एलके आडवाणी साहब को, कर्पूरी ठाकुर साहब को, और आप समझ सकते हो कि एम एस स्वामीनाथन साहब को, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिंह राव और उनके कोई पोते कोई बेटे ले रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि फौजी सूरमा जनरल मानिक साहब को भारत रत्न क्यों नहीं? एक नेताओं को दे सकते हो कि नेतागिरी कर रहा है, उसका पोता भी राजनीति में है, उसका पोता भी बड़े आराम से सुख सुविधाओं में जी रहा है। भारत के अंदर कौन से खानदान है जो इस तरीके के आराम से, चाहे आप किसी भी यादव का खानदान हो, किसी भी किसी और जाति के हैं, जिनका सत्ता से चला रहा है अपने बच्चों को, बेटों को, नाती को, पोती को, बीवियों को, बहुओं को टिकट देकर इस तरह देश की सेवा के लिए इतना बड़ा भारत रत्न जा रहा है? हमें किसी पर वो नहीं है, लेकिन क्या हमारा त्याग कम है, हमारी तपस्या कम है? 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने वाले पूर्वी पाकिस्तान से हमारे मानिक शाह साहब हीरो हैं, इस देश की धरोहर हैं, एक लीजेंड हैं। आप उनके ऊपर अभी एक मूवी है उसकी मैं झलक दिखा रहा हूं, क्या इन्हें भारत रत्न नहीं देना चाहिए? क्या अभी आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया? क्या कितनी सारी चीजें हैं और इन्हीं के ऊपर अब राजनीति है, इन्हीं के लिए, इन्हीं के देश सुरक्षित है, और एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर किसी को नहीं देना चाहिए? क्या हम उम्मीद कर सकते कि आने वाले कल में जो आज के नेता हैं और आज के नेता ये भारत रत्न होंगे, जिनकी कहनी है टिकट मिल जाए तो देश की सेवा करेंगे और टिकट नहीं मिला
तो पार्टी बदल देंगे, यानी टिकट मिल गया तो देश बदलेंगे और टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदलेंगे, लेकिन देश की सेवा करके ही मानेंगे आज के नेता। मतलब देश की सेवा करनी, चाहे इस पार्टी में जाए उस पार्टी में जाए, और चाहे भ्रष्टाचार करें घूस दें, लेकिन ये शायद भविष्य के भारत रत्न होंगे। शायद ये हमारे इस प्रजातंत्र की विडंबना है कि फौजियों की, फौजी इतने बड़े लीजेंड, इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी होंगी, 62 आप 65 71 99, और इतना बड़ा इतिहास रचा हुआ है आज इस देश की एक सबसे बड़ी मजबूत कड़ी, लेकिन इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन दोस्तों एक और खबर जिसके ऊपर आपके लिए, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, और ये चल रही है, इस बार मतदान करना बहुत जरूरी है। मतदान न करने पर चुनाव आयोग द्वारा बैंक खातों से 350 रुपए काट लिए जाने का दावा। यानी क्या है, नहीं दिया वोट तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए। हाँ जी दोस्तों, ये खबर चली थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न डालना महंगा पड़ जाएगा। चुनाव आयोग ने माननीय हाईकोर्ट से परमिशन ले ली थी कि जो बंदा इस बार चुनाव नहीं डालेगा और उसके खाते से, उसके बैंक अकाउंट से सीधा आपके 350 रुपए कट जाएंगे। यदि अकाउंट नहीं है तो मोबाइल के रिचार्ज से कटेगा पैसा, और इसके लिए चुनाव आयोग ने कोर्ट से पहले मंजूरी ले ली है। जिन वोटर्स का बैंक अकाउंट में 350 रुपए नहीं होंगे या जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, उनसे पैसा मोबाइल फोन के रिचार्ज से कट जाएगा, जिसके लिए मिनिमम 350 रुपए का चार्ज करना होगा कम से कम फोन। मतलब इस तरीके की ये खबर चली है, और आप खबर बहुत दिनों से चल रही थी, पर ये जब देखा गया, इसका PIV फैक्ट चेक हुआ तो ये फर्जी खबर है। यानी इस बात की ये सोशल मीडिया पे खबर चली थी, और जिसमें चुनाव आयोग को आदेश था, कोर्ट से मंजूरी ली थी कि 350 रुपए लगेंगे, लेकिन ये खबर फर्जी है जो कि PIV। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।